नमस्कार दोस्तों, आज बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा के उपचुनाव की दूसरी सबसे बड़ी चर्चा वाली सीट की। विधानसभा उपचुनाव के चुनाव प्रचार का शोर थमने के बाद करहल सीट के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी पार्टी की चर्चा है या किसी सीट की चर्चा है तो वो है कानपुर की सीसामऊ सीट। कानपुर की सीसामऊ सीट सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के कारण कुछ ज़्यादा सुर्खियों में रही। चर्चा की वजह कभी नसीम सोलंकी का शिव मंदिर में पूजा करना बना तो कभी उनके भावुक होने के वीडियो ने सुर्खियां बटोरी। तो दूसरी ओर पार्टी यह भी साबित करना चाहती है कि यहां विधायक रहे इरफान सोलंकी को झूठे मुकदमों में फंसाया गया। इसके जरिए पार्टी यहाँ सहानुभूति की लहर मान रही है तो दूसरी ओर भाजपा ने भी दो दशक से सपा का गढ़ बनी इस सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी। लिहाजा इस विधानसभा क्षेत्र में सियासत गर्म है। बता दें, सपा ने मुस्लिम कार्ड चलते हुए इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को प्रत्याशी बनाया तो बीजेपी ने सुरेश अवस्थी और बसपा ने वीरेंद्र शुक्ला को टिकट देकर ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की। हालांकि अब 20 नवंबर को सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कानपुर की सीसामऊ सीट पर कब कब किस पार्टी ने जीत दर्ज की है। सीसामऊ विधानसभा सीट के चुनावी अतीत की बात करें तो ये सीट साल 1974 के विधानसभा चुनाव से अस्तित्व में है और तब इस सीट पर कांग्रेस ने चुनाव जीता था। इसके बाद सीसामऊ सीट पर 1977 में जनता पार्टी, 1981 में कांग्रेस और 1989 में जनता दल ने जीत दर्ज की थी। 1991, 1993 और 1996 के चुनाव में लगातार तीन बार भारतीय जनता पार्टी ने यहां विजय पताका फहराई, लेकिन 2002 और 2007 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां वापसी करते हुए ये सीट अपने नाम की। इसके बाद 2012, 2017 और 2022 में लगातार तीन बार सपा ने यहां पर जीत का परचम लहराया। बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में इरफान सोलंकी इस सीट पर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे, लेकिन इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधायकी चली गई। इरफान सोलंकी मामले में हाई कोर्ट ने एक तरफ उन्हें राहत दी तो दूसरी तरफ मुश्किलें बरकरार रखी। राहत के तौर पर इरफान सोलंकी की जमानत को मंजूर कर लिया, जबकि 7 साल की सजा को बरकरार रखा। इरफान के जेल में रहते सपा इस सीट पर अगर फिर से जीतती है तो वह बड़ी जीत मानी जाएगी। अब जान लेते हैं यूपी विधानसभा उपचुनाव में सीसामऊ विधानसभा सीट पर कितने हैं मतदाता। सीसामऊ विधानसभा सीट पर कुल मतदाता 271,042 हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 143,768, महिला मतदाता 127,273 हैं। इनमें भी मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 115,000, हिंदू मतदाताओं की संख्या 114,000, जबकि सिख और सिंधी मतदाताओं की संख्या 15,000 है। ये मतदाता किसे विधानसभा पहुंचाएंगे, किसके दावों को मानेंगे और किसके एजेंडे को ठुकराएंगे, इसका पता तो 23 नवंबर की मतगणना के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल 20 नवंबर को यहाँ के मतदाता भावी विधायक कौन होगा, यानी उनका विधायक कौन होगा, इसको ईवीएम में कैद कर देंगे। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।